नमस्ते। आप कैसे हैं? अच्छे हैं। उत्तर प्रदेश में ठंड शुरू हो गई? हाँ सर। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आप कोरोना काल में मास्क बनाकर लोगों को बांट रही है और मदद कर रही है। जनसेवा के इस काम में ये आपको अनुभव कैसा रहा और लोग ये बात मानते हैं कि मास्क पहनने वाली? हाँ सर, कोरोना संकट में हम मास्क के समूह द्वारा अपने गांव में और अपने गांव और अपने किसान दीदी भैया और मजदूर मनरेगा में काम करे वाला है उन सबके बांटे। कितनी महिलाएं आपके साथ काम करती हैं? कुलपति साहब, हमारे गांव में हमारे समूह में 14 महिलाएं हैं। अब तक कितना मास्क बांटा होगा आपने लोगों को? कितने लोगों को मास्क पहुंचाया होगा आपने? लगभग अपने गांव से लेके, अच्छा, जिले से लेके ब्लॉक से 1000 मास्क बटले हैं। ये जो पानी का कार्यक्रम बड़ा बना रहे हैं हम लोग, घर घर पाइप से पानी पहुंचेगा, तो ये बात आप सब महिलाओं के बीच में गांव के लोगों में पहुंच गई है क्या? हाँ साहब, हमारे समूह में गांव के महिलाओं से किए गए ताकि हम लोग के घर घर पानी का दिक्कत रहा था। नहीं, क्या लगता है सब गांव वालों को क्या लगता है, ये पानी की व्यवस्था होगी तो क्या फायदा होगा, क्या लगता है आपको? साहब, हमारे गांव में पानी का सुविधा ताकि घर घर पानी मिले, ताकि जो दीदी भैया हमारे यहाँ नदी से और कुआं से कितना दूर से लाना पड़ता है? 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर दूरी से। और पानी कैसा होता है? पानी शुद्ध होता है या ऐसा ही पानी? ना ही अशुद्ध साफ। अब जब साफ पानी मिलेगा तो लोग पानी बचाएंगे कि पानी बर्बाद करेंगे, क्या लगता है आपको? पानी बचाएंगे। पक्का बचाएंगे? हाँ साहब। देखिए, पानी का महत्व क्या है, पानी के बिना जिंदगी कितनी कठिन है, ये हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छी तरह समझती हैं। और मैं जब गुजरात में था मुख्यमंत्री, हमारा कच्छ जो है वो तो पूरा रेगिस्तान है, जैसे आपका बिंदे में पानी की दिक्कत है, जैसे बुंदेलखंड में पानी की दिक्कत है, वहां रेगिस्तान में भी यही हाल था। तो हमने महिलाओं की कमिटियां बनाई और उन्हीं को काम दिया। इतना अच्छा काम किया बहनों ने, वो सारी चीजों को संभालना, लोगों से टैक्स वसूल करना, कभी खराब हो जाए तो रिपेयरिंग करना, सब काम बहनें करती थी। उनको एक बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला था। तो मैं चाहूंगा कि महिलाओं में अगर जागृति रहेगी तो पानी का काम भी अच्छा होगा और पानी बचाव का भी काम अच्छा होगा। तो फूलपति जी, अब आपका जो स्वसहाय जूथ है उनको आपने ट्रेन करना चाहिए पानी के लिए, उनको समझाना चाहिए, गांव गांव जाना चाहिए पानी कैसे बचाना, तो करेंगे आप लोग? पक्का करेंगे? चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।